आज 1 मई है और आज के दिन को दुनिया मजदूर दिवस के तौर पर याद करती है। क्या हुआ था 1 मई को ऐसा जो मजदूरों की पहचान के साथ जुड़ गया? भारत में 1 मई को मजदूर दिवस कब से मनाया जाता है? सामाजिक न्याय की वैचारिकी में मजदूरों की कौन सी जगह है? भारत के आधुनिक राष्ट्र निर्माता बहुजन नायकों के लिखे पढ़े और काम किए गए किस्सों में मजदूरों की जगह कहां कहां है? क्या आप जानते हैं इन सवालों के बरक्स कि 21वीं सदी में मजदूरों की समस्याएं, उनकी लड़ाइयां, उनकी मुश्किलें क्या हैं? आज की पाठशाला में इन बातों के जरिए हम मजदूरों पर कुछ बात करेंगे। स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला में। अभिवादन कबूल करिए लक्ष्मण यादव का। पर्वत पर्वत हीरे हैं या सागर सागर मोती है, ये सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे। वो सेठ व्यापारी रजवारी, 10 लाख तो हम हैं 10 करोड़, वे कब तक अमेरिका से जीने का सहारा मांगेंगे? जो खून बहे, जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए, हर कतरे का, हर गुंचे का, हर गीत का बदला मांगेंगे। जब सब सीधा हो जाएगा, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, हम मेहनत से उपजाएंगे, बस बांट बराबर खाएंगे। हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया। ये नज़्म है फैज अहमद फैज की, और दुनिया में जहां भी हिंदी उर्दू की जमात रहती है, वहां इस नज़्म को आज भी उसी तेवर और हिम्मत के साथ याद किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं मेहनतकश मजदूर आवाम पर। आज 1 मई है तो यह सवाल सबसे पहले उठता है कि 1 मई को ऐसा क्या हुआ था जिसे मजदूर दिवस के तौर पर याद किया जाता है? तो यह किस्सा जुड़ता है अमेरिका से। तकरीबन 1860-50-60 के बाद पश्चिमी यूरोप और दुनिया के तमाम देशों में मजदूरों के हालातों पर लिखने बोलने वाले लोगों की शुरुआत हो चुकी थी। कार्ल मार्क्स उसी बीच में मार्क्सवादी वैचारिकी के साथ आते हैं। उनके समानांतर कई उदारवादी प्रगतिशील विचारक भी मजदूरों के सवालों को मुखरता से उठाना शुरू कर चुके थे। 1884 में शिकागो में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाता है जिसमें अमेरिकी मजदूर यूनियनों ने पास किया कि वो काम के घंटे को 8 किए जाने की मांग पर पूरे बड़े पैमाने पर आंदोलन का आगाज करेंगे। तारीख चुनी गई 1 मई 1886 जब शिकागो में मजदूरों के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन सड़कों पर खड़ा हो गया जिसमें गोलियां चलती हैं, लोग मारे जाते हैं, और उन मारे गए लोगों की याद में 1 मई को दुनिया के तमाम देशों ने मजदूर दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की। इस आंदोलन का असर यह हुआ कि जल्दी ही मजदूरों के काम के घंटे जो 14, 16 या 18 घंटे हुआ करते थे, उन्हें घटा करके 8 घंटे करने की मांग कुछ हद तक मान ली गई। भारत की बात करें तो 1923 में किसान मजदूर पार्टी के नेता कॉमरेड सिंगरा वेलू चेटियार ने इसकी शुरुआत की कि भारत में 1 मई को मजदूर दिवस के तौर पर मनाया जाना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट के सामने इस दिन पूरे भारत में मजदूर दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया, छुट्टी का ऐलान किया गया और एक सिलसिला शुरू होता है 1 मई के दिन को मजदूरों के दिन के रूप में याद किए जाने का। इस दिन दुनिया भर में जितने भी मेहनतकश आवाम के हक हुकूक के लिए लड़ाइयां हुई, लोग शहीद हुए, मारे गए, या जो संघर्ष आज भी मजदूरों का चल रहा है, उन मेहनतकश आवाम के संघर्ष को याद किया जाता है। लोगों को इस बात के लिए जागरूक करने की कोशिश की जाती है कि जिन हाथों ने इस दुनिया को बनाया, जिन हाथों ने अन्न उपजाने से लेकर के सामान पैदा करके इस दुनिया की तमाम जरूरतों को पूरा किया, उन हाथों को धारण करने वाले शरीरों को मनुष्य का दर्जा नहीं दिया गया, उनके काम का उचित मूल्य नहीं दिया गया, उनको मानवीय परिस्थितियों में गरिमापूर्ण ढंग से काम करने की सहूलियतें नहीं दी गई, उन पर अत्याचार किया गया, उनकी हकमारी की गई। तो यह दिन एक प्रतीक के तौर पर दुनिया भर में याद किया जाता है जब हम मजदूरों को याद करते हैं। मैं आज के दिन आपसे भी एक सवाल करता हूं, अगर आप मजदूर हैं तो आप सोचिए आपकी आवाज कौन उठा रहा है? अगर आप मजदूर नहीं है तो क्या आपने करीब से कभी मजदूरों के हालात को देखा है, महसूस किया है? दूर नहीं, हाल में ही जाएं, मत जाइए आप किसी फैक्ट्री में अमानवीय कपड़ा पहने हुए अमानवीय परिस्थितियों में काम करते हुए किसी मजदूर को देखने के लिए। मत जाइए सड़क बनाने से लेकर भट्टे पर काम कर रही महिलाएं जो बच्चों को साथ में रख करके मेहनत करके इस देश और दुनिया को रहने लायक बना रही हैं, उनको उनकी जरूरत का बुनियादी हक भी नहीं मिलता है। बहुत दूर मत जाइए, आप याद करिए लॉकडाउन जो पिछले साल लगा था और आज जब हम कोरोना के लॉकडाउन की स्थिति में हैं, सबसे ज्यादा मार इसकी किस फौज झेलनी पड़ रही है, वह तबका भी है मेहनतकश आवाम मजदूर का। इस आवाम को याद करते हुए आज हमें फिर से यह बात सोचनी चाहिए कि हम कितना मनुष्य बन पाए और कितना एक बराबरी का समाज बनाने की कोशिश कर चुके हैं। सामाजिक न्याय की वैचारिकी की जब मैं बात करता हूं तो मैं बार बार कहता हूं कि सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक न्याय के मुकम्मल विचार का नाम है सामाजिक न्याय। समाज में ही स्त्री और पुरुष रहते हैं, समाज में ही गरीब, कमजोर, दुखियारे सब मिलकर रहते हैं, समाज के ही हिस्सा है ये सारे विभाजन, इसलिए मैं उसे सामाजिक न्याय की परिधि में मानता हूं। बिना पुरुष स्त्री के, बिना इन सारे वर्गों के एक समाज ही नहीं बनता,
बिना जातियों के आपका समाज नहीं बना हुआ है। तो आपके समाज की जो पहचान है, हम उन्हीं में न्याय और बराबरी की बात करने के विचार को सामाजिक न्याय कहते हैं। आइए जानते हैं सामाजिक न्याय के इस विचार में किन लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं प्रतीकात्मक रूप से राष्ट्र निर्माता बहुजन नायकों का जिक्र करूंगा, जिन्होंने मजदूरों के हक हकूक के लिए, मजदूरों के लिए संघर्ष किया, लिखा, बोला और काम किया। आइए सबसे पहले बात करते हैं क्रांति ज्योति ज्योतिराव गोविंद राव फूले पर। क्या आपको पता है कि मजदूरों के लिए पहला ट्रेड यूनियन भारत में बनाने वाला जो शख्स है वह कौन है? आत्मसम्मान आंदोलन से शुरुआत करके ज्योतिबा फूले, जो खुद फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों से प्रभावित थे, वो अपने संघर्षों में लगातार मेहनतकश आम आवाम की बात करते हैं। वो ज्योतिबा फूले किसान श्रमशील जातियों को स्पार्टा के वीरों से जोड़कर याद करते हुए लगातार उन्हें प्रेरित करते हैं कि तुम अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ो। कार्ल मार्क्स ने जो वैचारिकी निर्मित की थी, भारत में सामाजिक न्याय के निर्माताओं ने, बहुजन नायकों ने उस वैचारिकी को सबसे मुकम्मल जमीन मुहैया कराई। मार्क्सवादी या प्रगतिशील विचार फूले अंबेडकर पेरियार के बिना आधारहीन है, जमीनहीन है। इसलिए सबसे पहला जिक्र अगर इस पूरे संदर्भ में करेंगे तो वह ज्योतिबा फूले की। आत्मसम्मान आंदोलन जब अगले पड़ाव पर सत्य शोधक समाज के तौर पे एक बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव की, सांस्कृतिक बदलाव की बुनियाद रचता है, उस समय मजदूरों की आवाज उठाने का एक प्रतिनिधि कोना होता है सत्य शोधक समाज के उस पूरे कार्यक्रमों में। नारायण राव लोखंडे के साथ मिलकर के ज्योतिबा फूले लगातार मजदूरों की बात करते हैं। ज्योतिबा फूले के संपादन में निकलने वाला अखबार दीनबंधु उस जमाने में मजदूरों का सच्चा अखबार, मजदूरों की आवाज के तौर पर लोकप्रिय हुआ था, क्योंकि इस दीनबंधु अखबार में ज्योतिबा फूले लगातार यह सवाल उठाते हैं कि इन मेहनतकश आम आवाम को अमानवीय परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। इन सारी शिकायतों की जांच करने के लिए सरकार ने 1875 में कमेटी बनाई और दीनबंधु अखबार में लिखने और इन सारी चीजों से जोड़ करके जो ज्योतिबा फूले का काम था, उसी के चलते 1880 में जाकर के मिल हैंड एसोसिएशन नामक एक सोसाइटी स्थापित की, जिसे हिंदुस्तान भारत में मजदूरों का पहला ट्रेड यूनियन संगठन माना जाता है। और लगातार ज्योतिबा फूले मजदूरों के सवालों को उठाते रहे, उनके 14 घंटे काम करने के घंटे को 8 घंटे करने का सवाल उठाते रहे। इसके दबाव में 1875 में सरकार ने फैक्ट्री कमीशन बना करके इनकी मांगे सुनी और अमल किया। अगला जिक्र करूंगा मैं ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार का। फूले और पेरियार थोड़े संपन्न घरों से आते थे, जिनमें पेरियार कुछ ज्यादा व्यवस्थित और संपन्न घर से आते थे। इनके पास अपनी कॉटन मिल थी, और क्या आपको पता है कि मजदूरों को केंद्र में रखकर के, मेहनतकश आम आवाम को केंद्र में रखकर के पेरियार ने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जमीन में अपने संघर्ष के लिए पूरी कॉटन मिल को बेच दिया और उसके पैसे को अपने संघर्षों में लगाया। 1927 का दौर था, साउदर्न रेलवे वर्कशॉप में मजदूरों और कर्मचारियों ने एक बड़ा आंदोलन का आगाज किया था। तब तक पेरियार कांग्रेस छोड़ चुके थे और लेबर यूनियन का साथ देते हुए मजदूरों के इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं। 1927 में जब मजदूरों को उनके नेताओं, लेबर यूनियन के नेताओं के साथ गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तारी देने वालों में पेरियार भी शामिल थे। दिसंबर 1929 और 30 में जब आत्मसम्मान आंदोलन के जरिए लगातार पेरियार किसान, मजदूर, मेहनतकश आम आवाम की आवाज बुलंद कर रहे होते हैं, उन दिनों में वो भारत के कई हिस्सों में जाकर के किसानों और मजदूरों के लिए, हक हकूक के लिए आवाज उठाते हैं, विदेश में दौरा करते हैं, मिस्र, टर्की, ग्रीक, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, रूस होते हुए इंग्लैंड भी जाते हैं। और 20 मई 1932 को लंदन के मैक्स बोरो लेक पार्क में 50,000 मजदूरों की एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए पेरियार कहते हैं कि मजदूरों को अगर न्याय न मिला तो यह धरती मनुष्यता के गहरे खतरे से जूझ रही होगी। हम अगर मजदूरों को न्याय न दिला पाए, मेहनतकश को न्याय न दिला पाए, तो हमारा लड़ना बेकार है। पेरियार एक समाजवादी देश का ख्वाब देखते हैं। अपने पार्टी के दस्तावेज में पेरियार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जमींदारों तथा साहूकारों के शोषण से संरक्षण देने की बात करते हैं। पेरियार उसी संबंध में काम के घंटे कम करके पर्याप्त वेतन की बात करते हैं। पेरियार नशा मुक्ति से लेकर के बीमा योजना मजदूरों और किसानों दोनों के लिए वो इसकी हिमायती
करते हैं। मजदूरों की मजदूरी हड़पने वालों के खिलाफ बेहद सख्त तौर पर लिखते हैं अपने पत्र खुद ही अरसों में और अपने संगठनों में लगातार। द्रविड़ कजगम में भी इस बात को उठाते हैं कि मेहनत कश आम आवाम को उनकी मानवीय गरिमा के साथ काम और उसके आधार पर वेतन मिले। अगर हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करें तो समाजवादी विचारक डॉक्टर लोहिया लगातार किसानों और मजदूरों के लिए लिखने पढ़ने से लेकर के सड़क पर आंदोलन करने के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर लोहिया की 7 क्रांतियों में से एक क्रांति निजी पूंजी की विषमताओं और आर्थिक अन्याय के खिलाफ क्रांति की बात करती है। आर्थिक दृष्टि से जाति प्रथा को तोड़ने पर बल देने के दौरान डॉक्टर लोहिया एक बात बहुत मजबूती से उठाते हैं कि वर्ग और जाति एक दूसरे को मजबूत करती है। इसी बात को अपनी पुस्तक इतिहास चक्र में डॉक्टर लोहिया जब मार्क्सवाद की व्याख्या और आलोचना कर रहे होते हैं और मार्क्सवाद के जरिए वो इतिहास की आलोचना करते हैं, तब डॉक्टर लोहिया लिखते हैं कि विभिन्न समाजों में शक्ति व समृद्धि के लिए संपर्क व संघर्ष इतिहास चक्र के रूप में चलता है। जाति और वर्ग समाज की आंतरिक गठन की अंतरक्रियाएं हैं। इन दोनों में अंतरक्रिया होती है। इसको आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप जाति बनाते हैं और जाति के नाम पर जो वंचित जातियां हैं वह आर्थिक आधार पर भी वंचना के शिकार होती जाती हैं और वही वर्ग का रूप अख्तियार कर लेती है। तो शोषक और शोषित का जो अंतर है वो डॉक्टर लोहिया बाकायदे जाति से जोड़ करके देखते हैं और ये कहते हैं कि अगर हम किसान और मजदूर को, इन श्रमिक कामगार श्रमशील जातियों को उचित हकों को की बात न कर सके तो हमारा सामाजिक न्याय या समाजवाद या लोकतंत्र अधूरा है। अगर मजदूरों किसानों की बात करें तो रामस्वरूप वर्मा और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा से लेकर के पेरियार लई सिंह यादव और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का नाम लेना बेहद जरूरी हो जाता है। शोषित समाज दल लगातार किसानों और मजदूरों के हक हकूक के लिए लड़ता रहा। रामस्वरूप वर्मा जी का अर्जक संघ और डॉक्टर लोहिया के वैचारिकी से अलग रास्ता अख्तियार करते हुए भी जगदेव प्रसाद कुशवाहा लगातार मजदूरों के हक हकूक में लिखते रहे। आखिर में आकर के अब उस शख्स पर बात की जाए जिसके बिना मजदूर दिवस अधूरा है। भारतीय संदर्भ में बात करें तो मजदूरों का सबसे बड़ा हिमायती अगर कोई चेहरा आपके सामने नजर आता है तो वह डॉक्टर अंबेडकर। बंबई में मजदूरों की एक बहुत बड़ी हड़ताल चल रही थी जो कम्युनिस्ट नेताओं के अगुवाई में चल रही थी। डॉक्टर अंबेडकर उसका समर्थन देने के लिए बंबई पहुंचते हैं और वहां जाकर वो देखते हैं कि मुंह से जो धागा काटने का काम है वह केवल ब्राह्मण कर रहा है और बाकी जातियों को वह काम करने को नहीं दिया गया। खाना जब वो लोग दोपहर में खाते हैं तब भी वो अलग अलग खाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जब कम्युनिस्ट नेताओं से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि यह समाज का बंटवारा है, अगर हम इस बंटवारे को मजदूरों के बीच तोड़ने का काम करेंगे तो मजदूरों की एका नहीं बन पाएगी। वामपंथ इस समस्या से बहुत दूर तक निजात नहीं पा पाया। लंबा वक्त गुजर गया और मार्क्सवाद का बहुत नुकसान हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट दरअसल एक अपर कास्ट हेजमनी में इस चीज को नहीं समझ पाया। डॉक्टर अंबेडकर समझ गए और उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि भारत में केवल श्रम का विभाजन ही नहीं श्रमिकों का भी विभाजन है। भारत में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 से लागू हो गया था मगर जो मिल मालिक हैं उन्होंने श्रमिक संगठनों की तमाम मांगों को मानने से इनकार कर दिया। लगातार ट्रेड यूनियन आंदोलन होते रहे, लगातार ये सारे काम होते रहे मगर 27 नवंबर 1942 को 7वीं लेबर कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने काम के घंटे को 14 या 16 से घटा करके 8 घंटे निर्धारित किया। 13 नवंबर 1943 को डॉक्टर अंबेडकर ने इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल लाया जिसमें फैक्ट्री मालिक ट्रेड यूनियंस को मान्यता देने पर मजबूर हो सके। क्या आप डॉक्टर अंबेडकर के उस रूप को जानते हैं जिन्होंने मजदूरों के हित के लिए 10 बिल ड्राफ्ट किया था? मजदूरों को मिलने वाला वेतन भत्ता, ग्रेड पे, ग्रेचुअटी, दुर्घटना बीमा, प्रोविडेंट फंड, TA DA, मेडिकल लीव, इन सब से लेकर लेबर प्रोटेक्शन एक्ट, लेबर वेलफेयर एसोसिएशन और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसे ये काम डॉक्टर अंबेडकर ने किए जो मूलतः आज भी किसी भी ट्रेड यूनियन की बुनियाद बने हुए हैं। ट्रेड यूनियन का मतलब समझते हैं ना, एक एक हित समूह अपने हक हुकूक की आवाज उठाने के लिए संगठित होता है। डॉक्टर अंबेडकर मजदूरों को लगातार संगठित होने की बात करते हैं। फूले, अंबेडकर, पेरियार, इन तीनों के साथ साथ डॉक्टर लोहिया और बाबू जगदेव बाबू, तो ये सारे लोग जमीन पर काम करने ही वाले रहे, लेकिन अगर मुख्य रूप से फूले, अंबेडकर, पेरियार और लोहिया की बात करें तो इन चारों लोगों के जीवन में आप ये पाएंगे कि अखबारों में लिखने, लेख लिखने, बिल ड्राफ्ट करने के बाद ये सीधे मजदूरों के आंदोलन में शिरकत करते थे।
यह है सामाजिक न्याय की वैचारिकी का मजदूरों से रिश्ता। महिलाओं के लिए बाबा साहब ने खदान मातृत्व लाभ कानून पास किया, महिला कल्याण कोष बनाया, महिला एवं बाल श्रमिक संरक्षण कानून बनाया, महिला मजदूरों के लिए मातृत्व लाभ के कानून बनाए, भूमिगत कोयला खदानों में महिला मजदूरों के काम करने के नकार की बात की और लगातार महिलाओं के लिए एक चाइल्ड केयर लीव से लेकर के तमाम तरह के काम किए। जो हक की बात कार्ल मार्क्स और तमाम कम्युनिस्ट नेताओं को दिया जाता है कि उन्होंने वीकेंड की छुट्टी से लेकर के काम के घंटे पर दुनिया में लड़ाई लड़ी, वह लड़ाई भारतीय संदर्भ में बहुजन वैचारिकी के अगुआ भारत के राष्ट्र निर्माता पेरियार, फूले, अंबेडकर, लोहिया, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, इन लोगों ने लड़ी। तो आज मैं यह बात आपसे इशारे में कह रहा हूं कि अगर अब तक आप लोगों ने इन सारी चीजों को नहीं पढ़ा है तो समझिए कि रिश्ता क्या है मजदूरों किसानों के सवालों का सामाजिक न्याय की वैचारिकी से। सामाजिक न्याय की वैचारिकी को अगर आप भी मानते हैं तो आप अगर किसान मजदूर की बात नहीं करते हैं इसका मतलब आपका विचार अधूरा है। बात एक घटना का जिक्र करना मैं सबसे जरूरी समझता हूं। बात रही होगी सन 1974 की, जब ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष के बतौर जॉर्ज फर्नांडीज ने हड़ताल की घोषणा की थी। भारत के इतिहास में इससे बड़ी हड़ताल कहा जाता है कभी नहीं हुई। मजदूर संघ के लगभग 30,000 नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। इस हड़ताल में 17,00,000 कर्मचारी, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में रेलवे के लोग शामिल थे, उस हड़ताल के जरिए इस आंदोलन में हिस्सा लिए थे। इस आंदोलन का दबाव केंद्रीय सरकारों तक पे पड़ा और ट्रेड यूनियन मजदूरों की क्या ताकत रखती है इसका सबसे बड़ा मील का पत्थर यह जॉर्ज फर्नांडीज की हड़ताल मानी जाती है। ट्रेड यूनियन ने मजदूरों को हक हुकूक दिलाया, ट्रेड यूनियन ने मजदूरों को जो भी अमानवीय परिस्थितियां थी उनसे बाहर निकालने के लिए दुनिया भर में संघर्ष किया। यह सारी बातचीत अधूरी रह जाएगी अगर हम आज की बात ना करें। क्या आपको पता है कि 2021 में जब हम आज ये बातचीत कर रहे हैं, किसान जब सड़कों पर लड़ रहे थे कि तीन किसान कृषक कानूनों में संशोधन के जरिए उनकी जमीन से हिस्सेदारी, उपज का लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे बुनियादी चीजें भी, बुनियादी अधिकार भी संकट में आ रहे हैं, उसी तरह से इसी कोरोना में आपदा को अवसर में तब्दील करते हुए तीन श्रमिक कानूनों में भी संशोधन किया जा चुका है, संसद से पारित हो चुका है। और उन कानूनों का मूल अगर आप समझें तो वो ये है कि अब मजदूर यानी श्रमिक कोई भी ट्रेड यूनियन संचालित नहीं कर सकते, उनके अधिकार कम किए गए हैं, मिल मालिकों के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। आजादी के 70 साल बाद जब हम इस बात पर सोचते कि जिन मजदूरों का, कृषक कामगारों का, जिन श्रमशीलों का संघर्ष का इतिहास रहा है, अमानवीय परिस्थितियों से लड़ते लड़ते उन्होंने दुनिया को भी बनाया और अपना हक हुकूक भी पाया, आज की डेट में उनके तीन श्रमिक कानूनों में संशोधन के बाद उनके हाथ से संघर्ष का, लड़ने का अधिकार भी छीना जा चुका है। मगर हमें कहां पता है, हम तो अपने में मगन है। क्या हमको पता है कि अब कोई देश में ट्रेड यूनियन नहीं बची है? ट्रेड यूनियन को खत्म करना एक तरह से कहें तो लोकतंत्र की बुनियाद को ही खत्म कर देना होता है। और भारत के संदर्भ में वह बात फिर से सूत्रवत दोहराता हूं कि यहां लड़ाई केवल पूंजीवाद से नहीं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के गठजोड़ से हुई और बहुजन वैचारिकी, सामाजिक न्याय की वैचारिकी के सभी नायकों ने इस बात को गहरे तौर पर रेखांकित किया। फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया, किसी का भी बात करिए तो वो ये कहते हैं कि भारत में जो वर्ग है वह जाति के वृत्त के भीतर ही काम करता है और जो श्रमिक, कमेरा, श्रमशील, श्रमजीवी जातियां हैं ये 99% अगर आंकड़े जुटाए जाएं तो ये बहुसंख्यक जातियां वही होंगी जिन्हें बहुजन कहते हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमांदा। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक न्याय की मूल लड़ाई है कृषक कामगारों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद को एक साथ चुनौती मानते हुए आम जनता को यह बात समझाए जाने की कि आपके हाथ से सारी चीजों के मौके छीने जा रहे हैं। बहुजन वैचारिकी के नायकों ने एक सूत्र होकर के कहा कि राष्ट्रीय संपत्तियां होनी चाहिए, उद्योग, कृषि और बड़े बड़े कल कारखाने। 2021 में आपके सामने क्या हो रहा है, सारे राष्ट्रीय उद्योग, सारे राष्ट्रीय कल कारखाने जो कि इस देश की बुनियाद थे उन सबको निजी हाथों यानी पूंजी के हाथों में बेचा जा रहा है।
और पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद के गठजोड़ से अब पूरे तरह से इस दौर में सामाजिक न्याय की हत्या की जा रही है। इसलिए 1 मई 2021 का यह मजदूर दिवस बहुत गंभीर विश्लेषण की आपसे मांग करता है। ठहरिए, सोचिए और देखिए कि आपके बच्चों के लिए कुछ बच पाएगा या नहीं बचेगा। अपनी बात को खत्म करूंगा सफदर हाशमी के इस गीत के साथ। इस गीत को मेरे पिताजी बचपन में सुनाया करते थे, जब वो कहते थे कि पढ़ना और लड़ना कितना जरूरी है। आज जब हम शिक्षा बचाने, स्कूल बचाने, विश्वविद्यालय बचाने, अस्पताल की लड़ाई, कृषक कामगार मजदूरों की लड़ाई में नारे लगाते हैं, तो हम ये कहते हैं ना कि सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम। नारे बहुत कमजोर पड़ते जा रहे हैं। इन नारों को आपके मुट्ठी की ताकत की जरूरत है। सुनिए सफदर हाशमी ने कैसे आपको हिम्मत देने के लिए ये बात लिखी है। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। मैं अपने पिताजी से अक्सर इस गीत को सुनता था। जैसे हम बल्ली सिंह चीमा को सुनते हैं कि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। फैज अहमद फैज को हमने याद किया, उसी तरह से मार्क्स का सबसे प्रसिद्ध वाक्य कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए तुम्हारी जंजीर के सिवा कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारी दुनिया है। वैसे ही भारत में सामाजिक न्याय की विचारकी यह कहती है कि किसान और मजदूरों के सवाल पर श्रमशील श्रमजीवी कमेरा जाति के लोगों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए तुम्हारी गुलामियां हैं और पाने के लिए पूरे भारत के संसाधन। सबको सबका हक मिले, सबको सबका न्याय मिले। मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अंत में बात खत्म करते हुए मैं सफदर हाशमी को याद करूंगा। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों, क ख ग घ को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। वो सड़क बनाने वालों, वो भवन उठाने वालों, वो बोझा ढोने वालों, वो रेल चलाने वालों, देश की बागडोर को कब्जे में करना है तो पढ़ना लिखना सीखो। पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी सूखी रोटी गिद्ध लिपकते क्यों हैं। पूछो माँ बहनों पर यूं बदमाश झपटते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी मेहनत का फल सेठ गटकते क्यों हैं। पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वो भी दोस्त तुम्हारा। पढ़ो अगर अंधे विश्वासों से पाना छुटकारा, पढ़ो किताबें कहती हैं सारा संसार तुम्हारा। पढ़ो कि हर मेहनत कश को उसका हक दिलवाना है, पढ़ो अगर इस देश को अपने ढंग से चलवाना है। पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देख रहे थे सामाजिक न्याय की पाठशाला। आपको यह पाठशाला कैसी लगी, आपको मजदूर दिवस के बारे में जो बातें कही गई वह कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन यानी घंटी दबाना न भूलिएगा। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो मेरे पेज डॉक्टर लक्ष्मण यादव को लाइक और फॉलो करना न भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।